दोस्तों, महाभारत काल में जिन नगर, शहर, गांव और जनपदों के जो नाम थे, उनमें से वर्तमान में कुछ ही नाम मिलते हैं। समय के साथ उन नामों में बदलाव होता गया। हालांकि बहुत से ऐसे शहर हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आज भी उन्हीं नामों से पुकारा जाता है जिन नामों से महाभारत काल में उन्हें पुकारा जाता था। जैसे दोस्तों, मथुरा, काशी, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ, गंगोत्री, सोमनाथ, कुरुक्षेत्र इत्यादि। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के उन शहरों और गांवों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिन्हें महाभारत काल में कुछ और कहा जाता था और आज के वर्तमान समय में उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको महाभारत काल के प्राचीन शहर और गांवों के बारे में जानकारी। दोस्तों, कुरुक्षेत्र को आज भी कुरुक्षेत्र ही कहा जाता है, जो कि हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र के पास अभिमन्युपुर था, जिसे वर्तमान में आमीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पास ही जयंता नाम का एक क्षेत्र है, जिसे वर्तमान में जींद कहा जाता है। दोस्तों, जींद अब हरियाणा का एक जिला बन गया है। उसी तरह पानीप्रस्थ को पानीपत, सोनीप्रस्थ को सोनीपत और व्याघ्रपत को बागपत कहते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। हाल ही में यहाँ हुए उत्खनन में महाभारत काल के प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि बागपत से 4000 वर्ष पुराना रथ निकला है। बागपत उसी हस्तिनापुर के ऐतिहासिक साम्राज्य का हिस्सा है जिसके लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, इस रथ और उसके पहियों में अच्छी क्वालिटी का तांबा लगा हुआ है, जिसके चलते ये इतने हजार वर्ष तक सुरक्षित रहा। दोस्तों, पानीप्रस्थ को अब लोग पानीपत के नाम से जानते हैं। वहीं सोनीप्रस्थ अब सोनीपत और व्याघ्रपथ अब बागपथ बन गया है। दोस्तों, हस्तिनापुर, जिसका नाम राजा हस्तिन पर रखा गया था, आज यह स्थान मेरठ के पास है, और मथुरा, ऐसी दो जगहें हैं जिनके नामों में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। आखिर में गुरुग्राम है, जिसे मॉडर्न समय में गुड़गांव कहा जाता है, लेकिन अब ये एक बार फिर अपने प्राचीन नाम गुरुग्राम से जाना जाने लगा है। दोस्तों, कुरुओं का क्षेत्र था मेरठ और यह थानेश्वर के आसपास था। यह क्षेत्र और इसकी राजधानी पहले हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ हो गई। जिन स्थानों के नाम आजकल काबुल, कंधार, बल्ख, बखान, पगराम, पामीर, बदखंशा, पेशावर, स्वात, चरसदा आदि है, उन्हें महाभारत काल में क्रमशः कुंभा या कुतहा, गांधार, बल्हिक, बोक्कान, कपीसा, मेरू, कम्पोज, पुरपुस अर्थात पेशावर, सुवास्तु, पुष्कलावती आदि के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, बरवाना, हिंडनी और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की स्थापना तहसील में मेरठ अर्थात हस्तिनापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन गांव वारणावत या वर्णावर्त है, जो उन 5 ग्रामों में से एक था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। दोस्तों, ये 5 गांव अभी वर्तमान में पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और बरुपत अर्थात वरनामा है। वरनामा गांव में महाभारत काल का लाक्षा गृह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहां की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। टीले के पिलर तो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए हैं और उसे वे मजार बताते हैं। यहीं पर पांडव किला भी है, जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ यह टीला लाक्षा गृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित है। वर्तमान में टीले के पास की भूमि पर एक गौशाला, श्री गांधी धाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा महानंद संस्कृत विद्यालय स्थापित है। दोस्तों, देहरादून के लाखा मंडल में भी एक लाक्षा गृह है। देहरादून से 125 किलोमीटर दूर यमुना किनारे मौजूद लाखा मंडल चक्राता से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 फुट की खुदाई करने से ही यहाँ हजारों साल पुरानी कीमती मूर्तियाँ निकली है। इसी कारण इस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में रखा गया है। दोस्तों, दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दोस्तों, दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। फ्रेंड्स, खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर थी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का
साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरोद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था। बाद में लाल कोट का ही नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। दोस्तों, गंधार जनपद के क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ भाग मिलकर बने हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान में पाकिस्तान स्थित पश्चिमोत्तर क्षेत्र रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की और इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र ही गंधार राज्य के अंतर्गत आता था। गंधार का अर्थ होता है फ्रेंड्स सुगंध। गंधारी गंधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। आज के पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र उस काल में भारत का गंधार प्रदेश था। आधुनिक कंधार इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। गंधार में कई छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे अभिसार, तक्षशिला इत्यादि। दोस्तों, पुरुसूर अर्थात आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। दोस्तों, कम्बोज भी अफगान, पाकिस्तान और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर था। इसकी राजधानी राजपुर थी, जिसे वर्तमान में रजौरी कहते हैं। यह भारतीय कश्मीर में स्थित है। पाकिस्तान का हजारा जिला भी कम्बोज के अंतर्गत ही था। धुनिक मान्यता के अनुसार कश्मीर के रजौरी से तजाकिस्तान तक का हिस्सा कम्बोज ही था, जिसमें आज का पामीर का पठार और बदख्शां भी है। बदख्शां अफगानिस्तान में हिंदू कोश पर्वत का निकटवर्ती प्रदेश है और पामीर का पठार हिंदू कोश और हिमालय की पहाड़ियों के बीच का स्थान है। उल्लेखनीय है कि कम्बोज और कम्बुज में बर्फ है। प्राचीन कम्बुज को वर्तमान में कम्बोडिया कहते हैं। 205 के क्षेत्र में बरेली, बंदायू और फरुखाबाद आते थे। तब इसकी राजधानी अछिद्र तथा कांपिल्य थी। इसके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद के तैतीय संहिता में कंपिला के रूप में मिलता है। कनिर्घम के अनुसार वर्तमान रुहेल खंड उत्तर पंचाल और दोआबा दक्षिण पंचाल था। पंचाल के 5 कुल के लोगों ने मिलकर इसे बसाया था, यथा कीवी, केसी, सृजय, तुर्वसा और सोमक। पांचालों और कुरु जनपदों में परस्पर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। और दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जो आज कुछ और नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, कौशल, जो आज अवध के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी। सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र जिसकी राजधानी आज मथुरा है। काशी को आज वाराणसी, राजधानी इसकी वाराणसी ही है। मगध, दक्षिण बिहार का क्षेत्र, राजधानी गिरिवज्र, जो आधुनिक में राजगृह है। वत्स, आज का प्रयाग अर्थात इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र, राजधानी कौशाम्बी। अंग अर्थात भागलपुर, राजधानी चंपा। मत्स्य अर्थात जयपुर, राजधानी विराटनगर। वजी, जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर, राजधानी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली। मल्ल, जिला देवरिया, राजधानी कुशीनगर और पावा, आधुनिक में इसे परडौना कहते हैं। चेदी, जो बुंदेलखंड के नाम से आज जाना जाता है, इसकी राजधानी सुशक्तिमती अर्थात वर्तमान समय में इसे बांदा के पास स्थित है। अवंती, जो मलावा के नाम से जाना जाता है, राजधानी इसकी उज्जैनी है। अस्मक, गोदावरी घाटी, इसकी राजधानी पांडने है। ये प्रमुख नगर तक्षशिला, रावलपिंडी के पास, अवंतिका अर्थात उज्जैनी, हस्तिनापुर, वर्णावत या व्याघ्रपद, वृंदावन, मथुरा, इंद्रप्रस्थ और खांडप्रस्थ, पांचाल, अंग प्रदेश, मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराट, द्वारिका आदि कई ऐसे शहर हैं जहां आज भी महाभारत काल के प्रमाण हम सबको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदारो भी महाभारत काल की ही सभ्यता है, जिनका अंत महाभारत के युद्ध से होता है। दोस्तों, उस काल में ईरान को पारस्य देश कहते थे, जहां पर अश्वाका का साम्राज्य था। इराक में पहलावा का साम्राज्य था। उत्तर मद्र और उत्तर कुरु को वर्तमान में किर्गिस्तान कहते हैं। नेपाल में विद्रोह
वही साम्राज्य था जिसकी राजधानी मिथिला थी। श्रीलंका में सिंहल और त्रिकुटा नामक दो राज्य थे। महाभारत काल के परम कम्बोज और हाराहुर्न वर्तमान में तजाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, तिब्बत को त्रिविष्ट कहा जाता था, जहाँ ऋषिका और तुषारा नामक दो राज्य थे। बंगा और पुंड्र के क्षेत्र को वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है। म्यांमार ब्रह्म देश था, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। उस काल में ग्रीस को यवन कहते थे, इसे वर्तमान में यूनान भी कहते हैं। काल्यवन वहीं का था। इसी तरह सीरिया, असीरिया, सऊदी अरब, चीन आदि कई देशों का वर्णन हमें पढ़ने को पुराणों में मिलता है। भारत में कई ऐसे प्राचीन शहर हैं, जैसे मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, कांची, उज्जैन, रामेश्वरम, प्रयाग, पुष्कर, नासिक, श्रावस्ती, पेशावर, बमियान, सारनाथ, लुम्बिनी, राजगीर, कुशीनगर, त्रिपुरा, गोवा, महाबलीपुरम, कन्याकुमारी, श्रीनगर, गांधार इत्यादि। लेकिन दोस्तों, काशी का स्थान इन सब में सबसे ऊंचा है। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के कुछ ऐसे शहरों की जानकारी जो महाभारत काल में कुछ और नाम से जाने जाते थे और आज के समय में वह कुछ और नाम से जाने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।